हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ इन्फिडेंट फ्लायर। एंड अब और वैकेंसीज आई हैं, वो भी केविन क्रूज के लिए। वो भी सिर्फ साउथ में है, मतलब कि इंडियो ने वैकेंसीज निकाली हैं आपकी चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु बेस के लिए। तो आप जल्दी से जल्दी जाके अप्लाई कर दीजिए। वेल सी, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको रखनी जरूरी है, अपने डॉक्यूमेंटेशन, और आप सिर्फ 12th पास होने चाहिए। आपके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आप प्रेजेंटेबल होने चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, दैट्स ऑल। 18 प्लस होने चाहिए, पासपोर्ट अपने पास जरूर रखना और डॉक्यूमेंट्स अपने अरेंज करके रखना इंटरव्यू जाने से पहले। ये सारी चीज़ें तो थोड़ी सी तैयारी कर लेना, जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ हो गया, अपने बारे में हो गया वो, क्योंकि खासकर आप ही लोगों के बारे में पूछते हैं। और बाकी मैं बता दूँ कि अप्लाई कैसे करना है आपको। तो आपको क्या करना है कि आपको सीधे जाना है क्रोम पे, उसके बाद में इंडिगो करियर पे जाने के बाद में नीचे आएगा IFS केविन क्रूज, सीधा इस पे जाना है, व्यू ऑल जॉब्स। उसके बाद में ये आ गया है आपका हैदराबाद, चेन्नई और मैंगलोर, तीन बेसिस के लिए। उसके बाद में जब आप देखोगे तो लॉगिन आपको पहले से करके रखना है, यहाँ पे साइन इन करना है, उसके बाद में लॉगिन का आपके ऑप्शन आएगा। 0 से 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, मतलब कि फ्रेशर्स के लिए है ये, और पोस्टेड 8 अक्टूबर यानी कि कल करी गई है, सॉरी आज करी गई है। यहाँ से लॉग इन टू अप्लाई करने के बाद में ये मेरी ईमेल आईडी डिली ऑलरेडी, तो उसके बाद में आप जैसे ही जाओगे यहाँ पे क्राइटेरिया वगैरह लिखा है, उन सबकी एलिजिबिलिटी वो पूरा पढ़ लेना। और ये सब बेसिक चीज़ें हैं, कुछ खास है नहीं इसमें, आपको बेसिक डिटेल्स डालनी है अपनी और एकेडमिक डिटेल्स डालनी है। हाँ, आपके पास पासपोर्ट वगैरह होना जरूरी है, अपने CV ढंग से बना के रखना, ये सारी चीज़ें करने के बाद में यहाँ एडिशनल डिटेल्स डालने के बाद में सीधा अप्लाई कर दीजिए। मतलब ये सीज़ी है, ऐसा मैंने बिल्कुल सेम बताया हुआ है, ऊपर की वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, इससे पहले भी इंडियो की वीडियो बनाई भी है। सो आप अप्लाई कर दीजिए जल्दी से जल्दी। वेल, ये आप साइट पे तो पहुंच गए, हमने पूरा प्रॉपरली अप्लाई करना पुरानी वीडियोस में बताया है, आप जाके देख सकते हैं एक बार। बाकी आपको बिल्कुल ही घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी मेरे से एक दिन पहले पूछता है इंटरव्यू से पहले कि सर क्या सीन है, तो सीधा सिंपल है कि भाई सॉर्टेड रहो, सिंपल रहो, क्योंकि जो इंटरव्यू ले रहा है वो इंसान है, आप इंटरव्यू दे रहे हो आप इंसान हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैकेंसीज आती रहेंगी, रिजेक्शन भी होता है, कोई बात नहीं, लेकिन इंटरव्यू देने जाओगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, तो कुछ थोड़े टाइम के बाद में आप ऐसे हो जाओगे कि एकदम फ्लुएंस, कि मतलब यार अब तो सर सामने वाला आदमी नॉर्मल है, बस जो भी पूछना है। और उनको भी कुछ खास चेक करना नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको ट्रेनिंग देंगे। तो आपको इंडिगो के बारे में पढ़ के जाना है, इंडिगो की जो चीज़ें हैं, जैसे कि जो अचीवमेंट्स उसने करे हैं और उसके CEO वगैरह के बारे में, उनकी चीज़ों के बारे में आपको जान के जाना है। बाकी आप अपने बारे में टेल मी अबाउट योरसेल्फ या फिर वाई यू वाना ज्वाइन केबिन क्रू, वाई यू वाना ज्वाइन इंडिगो, ऐसे क्वेश्चंस पे आप तैयारी करके जाइए। एक बार फ्लो बना रहे तो अच्छा है, लेकिन रट के बिल्कुल मत जाना, एक बस फ्लो बन जाए। और बस वो यही चेक करेंगे कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आप बोलते कैसे हो, लोगों को संभाल सकते हो कि नहीं संभाल सकते हो। बाकी आपको ट्रेनिंग वगैरह ज़्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो एयरक्राफ्ट्स के बारे में भी पूछते हैं, तो वो सब आपसे वो नहीं पूछेंगे। वेल, ये जो व्यो वैकेंसी है ये एयरबस के लिए है, सो जल्दी से जल्दी जाइए और अप्लाई कर दीजिए। बाकी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आपका भाई है यहाँ पे, आप सिर्फ इंस्टा पे मुझे मैसेज कर दीजिए, आई विल हेल्प यू गाइस फॉर श्योर। सो थैंक यू सो मच गाइस, सभी को नमस्कार एंड जय हिंद।